जबलपुर में ऑटो चालक ने रेलवे स्टेशन के स्टैंड संचालक पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। मामला सिविल लाइन थाने का है, जहां ऑटो चालक ने स्टैंड संचालक की मनमानी की शिकायत दर्ज कराई है। ऑटो चालक ने बताया कि पिछले कई सालों से ऑटो का संचालन रेलवे स्टेशन से कर रहे हैं, कभी पार्किंग का पैसा नहीं लिया गया, लेकिन अब ठेकेदार पार्किंग का हवाला देकर चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। थाना प्रभारी रमेश कौरव ने चालकों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रेलवे के द्वारा हमारे को ऑटो स्टैंड दिया हुआ है, जिसका कोई किराया हम लोग को नहीं देना रहता, परंतु अभी जो तत्काल में ठेका जिनके पास आया हुआ है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें 23 रुपये चाहिए ऑटो का, तो जो कि हम लोगों के लिए संभव नहीं है। इस मांग को लेकर के अभी हम लोग विधायक जी के पास भी गए थे, तो उन्होंने संबंधित थाना TI आदरणीय कौरव मेजा जी कौरव साहब जो उनके पास भेजा, तो उन्होंने अभी स्टैंड वाले भैया को बुलाया हमारे से बात करने के लिए, तो अभी वो आ रहे हैं। वो जो उनके जो ठेकेदार के जो भी प्रतिनिधि हमारे समक्ष आएंगे TI के सामने बैठ के जो भी बातें होंगी, यदि हम लोग के वश में होगा तो हम लोग उनकी बातों को भी मान के चलेंगे, वो भी हमारी बातें मान के चले, क्योंकि हम लोग अनाधिकृत रूप से ऑटो नहीं चलाते, वैध तरीके से ऑटो चलाते हैं। पहले लगती थी क्या पार्किंग? नहीं, पहले कभी नहीं लगी हम लोग की ऑटो पार्किंग, कभी नहीं लगी ऑटो पार्किंग। अभी कुछ ऑटो चालक जो रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर चलाते हैं ऑटो, वो लोग आए हैं। इनका कहना है कि जो वो है स्टैंड वाला है, इनसे किराया वसूलता है, तो इनकी बात हमने सुनी है। स्टैंड वाले को बुला करके देखते हैं, वैसे किराया नहीं लेना चाहिए उसको, वो आता है उसको समझाएंगे किराया क्यों ले रहा है इनसे। कितने किराया लेते हैं वो? पार्किंग की रसीद अभी इन्होंने कोई रसीद दिखाई, पार्किंग के नाम से रसीद ले रहा है वो, तो उसको ज़रा बुला लें उसको, उसके बाद समझेंगे कि क्या है, इनसे ले रहा है कि पार्किंग का है क्या है, दोनों पार्टी की सुनेंगे, जब उसके बाद निर्णय हो पाएगा क्या होगा। स्टैंड में ठेका भी है? स्टैंड पर ठेका।